हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा वॉइस का ये पांचवा लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है। आज का हमारा ये जो वॉइस का आखिरी सेक्शन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कई कारणों से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, हालांकि वॉइस के सारे सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का हमारा ये जो आखिरी सेशन है वॉइस का, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे WH इंटरोगेटिव के सेक्शन में उन वर्ड्स से जो आपको कन्फ्यूज करते हैं, जिसका वॉइस चेंज करते समय आप में से कई बच्चे न जाने क्यों गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसके पीछे कई कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो इन कन्फ्यूजन की शुरुआत से ही हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। अर्थात आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे हु, हुम और व्हाट वाले सेक्शन से। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट वाले सेक्शन का, एक्टिव से पैसिव बनाना। फिर उसके बाद आज ही के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पैसिव में बाई का यूज़ नहीं होता है, बल्कि वो ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने पैसिव फॉर्मेट में बाई के अलावा कुछ और प्रेपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आज के क्लास में ही हम लोग इन्फिनिटिव का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से आज का हमारा ये जो क्लास है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम आपको बताते चलें कि 1 मार्च से, फ्रॉम 1st of March, हमारा ये जो वीडियो सेशन है, हम लोगों का ये जो वीडियो सेशन है, इसका टाइम स्लॉट अभी केवल 2 सेशन में जाता है। केवल 2 टाइम स्लॉट में आपको हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग आपको 3 टाइम स्लॉट में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पहला होगा 12 बजे, दूसरा होगा 2:30 बजे और तीसरा होगा शाम के 5 बजे। अब तक आपको इंग्लिश का लेक्चर वीक में केवल 2 दिन मिलता था। अब आपको फ्रॉम 1st of March, अब आपको इंग्लिश का लेक्चर वीक में 5 डेज मिल रहा है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन शाम में 5 बजे हमारा ये वीडियो आपको मिला करेगा। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे की कुछ और बातों को हम आपको बताते चलें। इसके आगे की कुछ बातें ऐसी हैं कि हम लोग ये जो वीडियो कोर्स चला रहे हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और मंडे टू फ्राइडे में अब भी हम आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे, या हम सब लोग जो कुछ भी आपको पढ़ाएंगे, ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। इसका PDF भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। और मंडे टू फ्राइडे में हम लोग आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उन सभी का प्रैक्टिस शीट हम लोग आपको संडे को अवेलेबल करवाते हैं। प्रैक्टिस शीट आपको कहाँ पे अवेलेबल होता है, PDF आपको कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अवेलेबल हम लोग करवाते हैं। कहाँ पे? तो हम लोग अवेलेबल करवाते हैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक गिवन है, वेबसाइट पे और अपने ऐप पे, अपने वेबसाइट पे और अपने ऐप पे। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। हमारे कंपटीशन कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, उसके CHSL SSC वाले विंग को आप क्लिक कीजिए और उसमें चारों ही सब्जेक्ट के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब अपने क्लास को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और अब अपने क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखें कि आज के क्लास की शुरुआत हम लोगों को कहाँ से करनी है। देखिए, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, और इसके आगे हम लोगों को आज के क्लास में यहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए, ये हु का कॉन्सेप्ट है, इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको वो तरीका बताते चले, वो मेथड हम आपको बताते चले जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि यदि एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस में हु दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, हु दिखाई पड़े, तो सबसे पहले फिर वही बात कि आप कैसे पहचानेंगे कि टेंस है या नहीं। सबसे पहले ये देखिए, हैड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब ये टॉट क्या है, तो ये सेकंड फॉर्म भी टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो हमने आपको बता रखा है पहले से, ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, उसका यूज़ किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के रूप में किया गया या थर्ड फॉर्म के रूप में किया गया, इसको कैसे पहचानेंगे आप, उसके पहले चेक कीजिए क्या कोई हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है
यदि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो वही काम करता है थर्ड फॉर्म का, और यदि उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं हो तो वही काम करता है सेकंड फॉर्म का। तो ये देखिए, इसका सेकंड और थर्ड दोनों टॉट ही होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों टॉट ही होता है। इसके पहले देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किसका काम कर रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब ये चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसके कारण हम लोग इसका टेंस क्या बताते हैं, तो बताते हैं पास्ट। और चूंकि हैज़, हैव, हैड या हैविंग या हैज़ इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो उसके कारण हम लोग इसको कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और पैसिव पहचानने का तरीका हमने आपको पहले से बता रखा है, इज़, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, बी, बिंग, बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, और यदि इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं हो तो वो हमेशा रहेगा एक्टिव। तो यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बी, बिन, बिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अर्थात ये सेंटेंस कहाँ पे है, तो ये सेंटेंस है एक्टिव में। ठीक है, अब चूंकि ये एक्टिव में है तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे पैसिव। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हु को क्या बना देना है, तो हु को पैसिव में बनाते हैं हम लोग बाई हुम। हु को क्या लिखते हैं, हु का पैसिव लिखते हैं बाई हुम। ठीक है, अब देखिए हमारा मेन वर्ब क्या था, ये हमने आपको ये तरीका बता रखा है, हमारा मेन वर्ब ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हु हैड टॉट यू, अब पढ़ाने का काम किसको किया गया, यू को, तो पढ़ाने का काम किसी ने किया होगा, जिसने किया उसके बदले यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो हु के बदले हम लोग क्या लिख लिए, बाय हुम लिख लिए। ठीक है, ये सेंटेंस में अंदर नहीं जा सकता, ऐसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन में जो WH इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, इसमें ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और हमारे पढ़ाने के पहले भी आप पढ़े हैं, कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करता है, यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करता, यहाँ पर ये इंटरचेंज आपस में नहीं करता। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हु, सॉरी, ये यू क्या था, ऑब्जेक्ट था, किसका, एक्टिव का, तो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब दूसरी बात हम आपको बताते चले कि कहीं भी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसका पैसिव क्या बनाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बाई हुम हैड यू बिन, By whom had you been taught? By whom had you been taught? ठीक है, बात समझ में आ रही है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आप इसमें देखेंगे तो ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हम आपको इसको पहचानना सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि आप सेंटेंस में WH वर्ड का यूज़, किसी भी WH वर्ड का यूज उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है या ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ये बात यदि आप सीख लेते हैं तो आप वॉट वाले सेक्शन को आसानी से सीख सकते हैं, और वॉट वाला जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसका एक्टिव से पैसिव बनाना आप काफ़ी आसान तरीके से सीख जाएंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हु पुट ऑन द टीवी, हु पुट ऑन द टीवी, रखा किसको गया भाई, किसको रखा गया है, तो रखा गया है टीवी को, तो ये है हमारा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये फिर से हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए हु और हुम में कन्फ्यूज़न क्या होता है। तो सबसे पहले जो एक आसान तरीका था जो अभी अभी हमने आपको बताया कि यदि एक्टिव में यूज़ किया गया हो तो पैसे में इसके बदले यूज़ कर लेंगे बाय हुम, पैसे में यूज़ कर लेंगे बाय हुम, और यदि एक्टिव में यूज़ किया गया हो तो पैसे में, सॉरी, हुम, तो पैसे में यूज़ करते हैं इसके बदले हु, क्या यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्टिव में हु लिखा हो तो पैसे में बाय हुम लिखते हैं, एक्टिव में हुम लिखा हो तो पैसे में हु लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात हम लोग और पहले कहाँ पढ़े थे, तो ये बात हम लोगों ने और पहले पढ़ा था, हु और हुम को सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं हु का, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं हुम का, ये हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में, कहाँ पढ़े थे, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसको एकदम आराम से सीरियसली पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखने समझने का प्रयास आप कीजिएगा।
ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और समझाते चले। इनके अलावा सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको क्या बता रखा है कि जब भी कभी आपको वॉइस चेक करना हो, वॉइस चेंज करना हो, तो आप उसमें क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले मेन वर्ब, फिर क्या ढूंढेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। हम दरअसल आपको ये सिखाना चाह रहे हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए, ये क्या है, तो ये हमारा मेन वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना यदि सीख जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाती है। इसके बाद के क्वेश्चन में भी आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देखिए, हमारा मेन वर्ब क्या है, ये किल है। मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो जिसको मारेगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो होम हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, ये टीचिंग क्या है, ये हमारा मेन वर्ब, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और अब हम लोग सीखें कि इनका यदि एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इनका यदि एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला तो एक तरीका हो गया कि आप हु को कन्वर्ट कर देंगे बाई होम में, किस में, हु को कन्वर्ट करके लिखेंगे बाई होम में। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से यहाँ से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हु के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये हु है क्या, हु यहाँ किसका काम कर रहा है, हु काम कर रहा है सब्जेक्ट का, मेन वर्ब है डिस्टर्बिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये हु का क्या लिखना था, तो हु का लिखना था बाई होम। कब लिखना था, जब ये काम कर रहा था सब्जेक्ट का। ऐसा कब लिखना था, जब हु काम कर रहा होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए, ये वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, अर्थात इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या टेंस है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस है इसका टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए तो अब जरा देखें, अब इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, यू के साथ वॉज का यूज करते हैं या वर्ब का, तो यूज करते हैं वर्ब का, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब, और अब लिखेंगे ये सब्जेक्ट यू, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे बिंग, बिंग अब इसका थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, क्या होगा डिस्टर्ब्ड, ठीक है डिस्टर्ब्ड, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब ये देखिए पुट क्या है, तो ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों है भाई, यहाँ पे भी आप में से कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आप में से कई बच्चे इसको प्रेजेंट मान लेते हैं और प्रेजेंट मान करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर से हम आपको रिमाइंड कराते चले, ये हमारा मेन वर्ब, ठीक है, और ये क्या है, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड, कोई भी डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड, कोई भी डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तो हम लोग उसी को मानते हैं सिंगुलर वर्ब, देते हैं सिंगुलर। तो यदि हु यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और पुट यदि प्रेजेंट में होता तो पुट में इस लगा होता, बट यदि इसमें इस नहीं लगा हुआ है तो पुट का तीनों ही फॉर्म सेम होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों ही पुट का सेम होता है, पुट पुट पुट, ठीक है। तो अब ये किसका काम कर रहा है, तो अब ये काम करता है, अब ये किसका काम करता है, अब ये काम करता है वर्ब के सेकंड फॉर्म का, किसका काम करता है सेकंड फॉर्म का। ये हमारा सब्जेक्ट, ये था हमारा मेन वर्ब, ये था हमारा ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडिफरेंट का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, तो पास्ट इंडिफरेंट के पैसिव में हम लोग यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए तो अब इसका जरा हम लोग यहाँ पे पैसिव बना ले, तो हु का क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे, हु का क्या लिखेंगे, होम लिख देंगे, ठीक है भाई होम। अब देखिए ये टीवी कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, वॉज द टीवी, वॉज द टीवी, वॉज द टीवी पुट ऑन, वॉज द टीवी पुट ऑन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग हु को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो होम पर बेस्ड हों।
अब होम वाले कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सीखते चले, इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस में पहचानना सीखा कि होम यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है। तो होम यहाँ पे सेंटेंस में रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट का। किसका रोल प्ले कर रहा है? ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो एक्टिव में, जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इसके बदले हम लोग यूज़ करेंगे हु। होम के बदले क्या यूज़ करेंगे पैसिव में? तो यूज़ करेंगे हु। अब आइए जरा इसका हम लोग पैसिव बनाना सीखें। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? तो इसके बदले हम सबसे पहले लिखेंगे हु। अब जरा देखिए ये डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका टेंस क्या होता है? उसका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका टेंस क्या होता है? तो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं पैसिव में? पैसिव में यूज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, ये होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था एक्टिव में, जब ये पैसिव में कन्वर्ट होगा तो यही बन जाएगा सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बदले क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं हु। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, यदि दुनिया का कोई भी WH इंटरोगेटिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो उसी को मानते हैं सिंगुलर, वर्ब देते हैं सिंगुलर। अब आप में से कई बच्चों को सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने में ही दिक्कत जाती है, यही नहीं पहचान पाते कि कैसे समझें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम आपको रिमाइंड करवाते चले, सब्जेक्ट पहचानने का जो तरीका था ये हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट वन में डिटेल में इसकी चर्चा करी थी। और वहाँ पे हमने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इन सबको पहचानना सिखाया था, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को भी पहचानना सिखाया था। यही वो फैक्टर्स हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन्हीं कारणों से आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और डिस्क्राइबिंग एलिमेंट में अंतर समझ नहीं पाते, और इन्हीं सारे कारणों से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत होता है, आपका टेंस गलत होता है, आपका वॉइस गलत होता है, आपका क्वेश्चन टैग गलत होता है, आपका नरेशन गलत होता है। और जब भी कभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आप न जाने और न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप से गलती कर बैठते हैं। तो यदि आप इन सब को सीखना चाहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट वन को जरूर से जाके देखें, ठीक है। हालांकि उसमें नॉइज़ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इशू है, बट फिर भी आप उसको ज़रूर से देखिए, वो आप सबों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए और अब हम लोग यहाँ पे सीखें कि ये जो WH इंटरोगेटिव है, जैसे ही ये पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग। तो इसको मानते हैं सिंगुलर, इसके साथ वर्ब कैसा यूज़ करेंगे? सिंगुलर। तो हु के साथ इज एम आर में क्या यूज़ करेंगे? तीनों में इज। Who is, अब बनाएंगे loved, who is loved by you, who is loved by you, who is loved by you, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे whom did you elect, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब उसका यदि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएं तो whom के जगह क्या लिखेंगे? Who। और फिर से पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? was verb plus verb का थर्ड फॉर्म। तो इस who के लिए was का यूज होगा या verb का? तो यूज होगा was का, क्योंकि ये WH इंटरोगेटिव वर्ड है, यहाँ पे पैसिव में काम कर रहा है ये सब्जेक्ट का, मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर, तो इसके साथ यूज़ करेंगे was। who was elected, who was elected by you, who was elected by you। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव बनाना सीखें, किसका? who और whom का। अभी what का एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोगों ने नहीं सीखा है, तो आइए हम उसकी तरफ भी आपको लेकर चलें। हम आपको उसकी तरफ भी लेकर चलते हैं, हम आपको उसका भी एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाते हैं। अब आप यहाँ पे पूरे अलर्ट हो जाइए और पूरे अलर्ट हो करके, पूरे फोकस्ड हो करके, फुली कंसंट्रेट हो करके इसको जरा ठीक से देखिए, समझिए। जो कन्फ्यूजन आपको वहाँ पे था वही कन्फ्यूजन यहाँ पे है। क्या कन्फ्यूजन था? तो हम आपको फिर से यहाँ पे दिखाते चले। यहाँ पे देखिए ये किसका रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे आप फिर से देखें ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का, ये रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है? तो ये है हमारा मेन वर्ब, ये है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। अब यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना हम आपको सिखाएंगे व्हाट वाले केस में। अब यहाँ पे देखिए आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पे, और दोनों ही व्हाट से शुरू हो रहे हैं, दोनों में व्हाट का यूज़ किया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हमने आपको क्या बता रखा है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मेन वर्ब,
और मेन वर्ब से प्रभावित होने वाला ये है, अर्थात ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया सब्जेक्ट। इसको ठीक से सीरियसली सीखना भाई, ये सब आपको कहीं किसी बुक में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है ईट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये बात समझ में आ रही है। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल के कुछ और चीज़ों को हम लोग सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था हु और हुम वाले केस में, हु काम करता था सब्जेक्ट का, उसका जब हम लोग पैसे बनाते थे तो पैसे में हु का लिखते थे बाय हुम। इन द सेम वे व्हाट, यदि किसी भी सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग यदि किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा, सब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा, तो जब उसका हम लोग पैसे बनाते हैं तो पैसे में व्हाट के बदले यूज़ करते हैं बाय व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट की जगह लिखेंगे बाय व्हाट, व्हाट की जगह क्या लिखेंगे बाय व्हाट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका टेंस क्या था, तो इसका टेंस था प्रेजेंट इंडिफरेंट, इसका टेंस क्या था प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो क्या यूज़ करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये यहाँ पे व्हाट यहाँ पे काम कर रहा था एक्टिव में, सब्जेक्ट का यहाँ पैसे में चला गया ऑब्जेक्ट, तो अब इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट क्या था यू था। अब पैसिव का यही बनेगा सब्जेक्ट, तो पैसिव का जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू के साथ हम लोग इज एम आर इन तीनों में किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे आर का, तो हमारा आंसर बनेगा बाय व्हाट आर आर यू डिस्टर्ब्ड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे देखिए जो व्हाट है ये किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, जब ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो पैसिव का क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है इसका जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में व्हाट का व्हाट ही लिखते हैं। इस बात को हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, व्हाट यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हम लोग व्हाट की जगह लिखेंगे बाय व्हाट, कब जब व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, लेकिन व्हाट यदि एक्टिव में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो जब उसका पैसे बनाते हैं तो पैसे में व्हाट का व्हाट ही लिखते हैं, व्हाट का क्या लिखते हैं व्हाट ही लिखते हैं, इसके पहले बाय बाय का यूज नहीं करते, इसके पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज हम लोग नहीं करते। अब देखिए इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट इंडिफरेंट, इसका टेंस क्या है प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब ये एक्टिव में था ऑब्जेक्ट, पैसिव का क्या बन गया पैसिव का बन गया सब्जेक्ट, तो पैसिव का जब ये सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था दुनिया का कोई भी WH इंटरोगेटिव वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो उसको मानते हैं सिंगुलर वर्ब देते हैं सिंगुलर, मानते हैं सिंगुलर वर्ब देते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर इन तीनों में से किसका यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे इसका, और इसके बाद क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा व्हाट इज इट इन, व्हाट इज इट इन बाय, व्हाट इज इट इन बाय हिम, व्हाट इज इट इन बाय हिम, यहाँ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज रिटन बाय हिम, क्लियर है बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने हु हुम और व्हाट का एक्टिव से पैसिव बनाना काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी डिटेल में सीखा। अब इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं सीधा स्लाइड में, और अब आपके एग्जाम में पूछे गए या आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ मॉडल क्वेश्चन का या SSC के एग्जाम के पैटर्न वाले क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं सीधा आगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग देखें क्या करना चाहिए हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दिया हु, तो हमें पैसे में क्या यूज़ करना होगा बाय हुम, सबसे पहले यहाँ देखिए बाय हुम और ये हो गया बाय हु, ये कैंसिल, ये बाय हु नहीं है ये भी कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ डिड, डिड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो हम लोगों को क्या चाहिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या था ये था इसका ऑब्जेक्ट दिस ये क्या है ये है इसका ऑब्जेक्ट, ये क्या है ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है ये है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये जब इसका ऑब्जेक्ट है तो आप जरा ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे वॉज या वर्ब का, किसका यूज़ करेंगे वॉज या वर्ब का, किसका यूज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे हम लोग वॉज का, ठीक है। तो पैसिव में अब हमें क्या चाहिए वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिड का थर्ड फॉर्म क्या होगा डन, यानी कि हमें चाहिए वॉज डन, तो यहाँ देखिए वॉज डन दिखाई दे रहा है, वॉज डन दिखाई दे रहा है, वॉज डन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉज डन नहीं है ये कैंसिल, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हमारा बनेगा। अब देखिए दिस,
अब ये देखिए ये क्या है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद ये क्या गया, ये आ गया प्रोनाउन, जबकि हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लगाना होगा फुल स्टॉप, क्या लगाना होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यदि फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, क्या लगेगा, फुल स्टॉप, जबकि सेंटेंस कैसा गिवन है, इंटरोगेटिव, और हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मीनिंग मोड और टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, मीनिंग मोड और टेंस कभी चेंज नहीं करेगा वॉइस का, ठीक है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के दौरान। अब यहाँ पे आइए, हु टॉट यू, तो हु का क्या कर दें, सबसे पहले बाई हुम कर दें, हु का क्या कर दें, बाई हुम कर दें, देखिए बाई हुम आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है, इसके पहले भी हमने आपको बता रखा है क्या पकड़ना है, सबसे पहले मेन वर्ब क्या है, पास्ट इंडिफरेंट का पैसिव बना ले ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यूज़ करेंगे वर, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वर टॉट, देखिए वर टॉट, और किसी में देखिए वर टॉट है, ये वर टॉट है लेकिन बाई हुम नहीं है, बाई हु है, ये देखिए बाई हुम यहाँ कहाँ आ गया सेंटेंस के बीच में, जबकि बीच में कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जब भी कभी आप एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलते यहाँ से आगे कुछ और क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए हु बॉन्ड द फूड, तो क्या करें, सबसे पहले बाई हुम ढूंढ लें, देखिए बाई हुम किस में मिला, बी सी और डी में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, और फूड कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे, वॉज बॉन्ड, अब आ जाइए वॉज बॉन्ड को हम लोग देख लें, यहाँ वॉज बॉन्ड है, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है वॉज दैट फूड, यहाँ पे द फूड था, दैट फूड नहीं था, तो हम यूज़ करेंगे द फूड बॉन्ड, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पास्ट एंड डिफरेंट है, इसका भी आप वैसे ही बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस पे, ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का फॉर्मेट होता है एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन हो सकता है और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो सकता है, दो तरीके इसके होते हैं, तो यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन हो और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसके एक्टिव से पैसिव में, ये सीखिए, तो यदि इसका ऑब्जेक्ट गिवन हो, यदि इसका ऑब्जेक्ट गिवन हो या नहीं हो तो इसका पैसिव दो तरीके से बनता है, पहला एक बनता है यू आर ऑर्डर टू, क्या बनता है, एक बनता है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, और उसके बाद सेंटेंस जैसे होता है एज इट इज़ उसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, जैसे यहाँ पे थ्रो द बॉल, तो यू आर ऑर्डर टू थ्रो द बॉल, यू आर ऑर्डर टू थ्रो द बॉल। दूसरा यहाँ पे देखिए, यदि ऑब्जेक्ट आपको गिवन, दूसरा तरीका होता है लेट से, जैसे इसका थ्रो द बॉल, लेट द बॉल, लेट द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन, लेट द बॉल बी थ्रोन, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनता है, इस सेंटेंस में हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आइए इन सभी तथ्यों पे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करते चले। ये देखिए ये क्या है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखिए ये क्या है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट गिवन हो तो आप इसका पैसिव इन दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, प्रेफरेबल है नीचे वाला, प्रेफरेबल है नीचे वाला, नीचे वाले में क्या हो क्या रहा है भाई, तो नीचे वाले में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये लेट, लेट के बाद यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ कर रहे हैं बी ई बी, और इसके बाद फिर क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बात समझ में आ रही है। तो यदि ऑब्जेक्ट गिवन हो तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किंतु यदि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो आपका पैसिव सिर्फ ऊपर वाले तरीके से बनेगा। जैसे हम फिर पेन का कलर चेंज करके आपको लिख कर दिखाते चलें, यू आर ऑर्डर टू थ्रो द बॉल, यू आर ऑर्डर टू थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, बात समझ में आई। तो आप इन दोनों तरीके से बना सकते हैं, प्रेफरेबल है नीचे वाला लेट वाला मेथड, ठीक है, प्रेफरेबल है नीचे वाला लेट वाला मेथड। लेकिन यदि आपको ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं हो, आपको ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं हो तो आप नीचे वाले मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं हो तो आप इस नीचे वाले मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ ऊपर वाले मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे इस गेट आउट फ्रॉम हियर वाले सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाकर यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर उसका पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हियर, बात समझ में आई, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम हियर।
इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। और कभी कभी आप देखेंगे कि ऑर्डर की जगह एडवाइज का यूज़ किया गया होता है, ऑर्डर की जगह एडवाइज्ड का यूज़ किया गया होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस से, कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंस से, अर्थात वी वन प्लस ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न के सेंटेंस से कभी कभी सजेशन का सेंस, सुझाव का सेंस भी एक्सप्रेस होता है, तो उस केस को एक्सप्रेस करने के लिए आप एडवाइज्ड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में आप देखेंगे कि यू आर ऑर्डर टू का यूज़ नहीं किया गया होगा, ऑर्डर की जगह लिखा होगा सजेस्टेड या एडवाइज, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन को, आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लेट द विंडो बी ओपन, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेट लेट के साथ यहाँ क्या मिल रहा है, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ही आपको बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया, अर्थात ये सेंटेंस कहाँ चला गया, पैसिव में, ठीक है, अर्थात इसका एक्टिव क्या बनेगा, तो एक्टिव बनेगा ओपन द विंडो, क्या बनेगा, ओपन द विंडो, आंसर क्या बनेगा, ओपन द विंडो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, अब ये देखिए डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनना चाहिए, लेट से, ऑप्शन नंबर ए में लेट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में लेट नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी में जरा देखिए, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन, ये लेट हो गया, लेट के बाद ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद क्या आता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ देखिए वॉज वर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, टेल हर टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है, उसको बोलिए कि वो हमारे ऑफिस से बाहर चली जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये भी किस में, ऑर्डर वाले में, ठीक है, तो अब इसका यदि हम लोग पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है, देखिए इसमें एक भी यू आर ऑर्डर टू का सेंटेंस नहीं है, एक ही ऑप्शन है लेट से, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, लेट हर बी, ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, लेट वाला एक ही ऑप्शन है, सीधा हो गया हमारा आंसर, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या होता है भाई, इसको कैसे पहचाने, प्रोहिबिशन को पहचानना काफ़ी आसान है, क्यों आसान है, कैसे आसान है, ये सीखिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है डोंट या नेवर से शुरू होगा, डोंट या नेवर से शुरू होगा, और इसके बाद यहाँ रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका हम लोग एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो या तो लेट वाले पैटर्न से बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस फॉर्मेट से बनाएंगे और इसमें नॉट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इसमें नॉट का यूज़ कर लेंगे, या फिर हम लोग लिखते हैं यू आर, इसके जगह हम लोग दूसरे वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड, या इसके किसी भी सिनोनिम्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, यू आर बैंड, यू आर डिबार्ड, इस तरीके का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, यू आर बैंड, यू आर बैड, इस तरीके का कोई भी इसका सिनोनिम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्टिव से पैसिव दो तरीके से बनाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन पे कि किस तरीके से इनका एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डू नॉट, डोंट मिल गया, ये क्या मिल गया, ये मिल गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या मिल गया, ये मिल गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया तो प्रेफरेबल क्या है, लेट वाले से, लेट द पुअर, ये देखिए लेट द पुअर, इसमें लेट नहीं है, इसमें लेट नहीं है, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए लेट द पुअर, लेट द पुअर, ठीक है। अब ये क्या है, नॉट बी इंसल्टेड, बी नॉट इंसल्टेड, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप में से कई बच्चे कंफ्यूज होके सी को आंसर करेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज होके डी को आंसर करेंगे। अब देखिए हम आपको बताते चले, ये इंसल्टेड क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम आपको बताते चले, यदि किसी भी सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रेजेंट हो, तो एडवर्ब का यूज़ करते हैं, एडीवी बोले तो एडवर्ब,
एडीबी का मीनिंग क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब का यूज करते हैं दोनों के बीच में, एडवर्ब का यूज करते हैं दोनों के बीच में। और ये नॉट क्या है, तो नॉट होता है एडवर्ब, नॉट क्या होता है तो नॉट होता है एडवर्ब, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप चेक कर लीजिएगा डिक्शनरी में, ये होता है एडवर्ब, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, डोंट टच दिस बैग, डोंट टच दिस बैग। अब देखिए यहाँ पे ना तो लेट है और ना ही यू आर रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, तो अब इसका बनेगा कैसे। अब देखिए दिस बैग सबसे पहले ये क्या था, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देखिए दिस बैग, दिस बैग, दिस बैग सब में आ गया। अब यहाँ पे डू डज के साथ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका जब हम लोग पैसे बनाते हैं तो पैसे में क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी में नहीं है, डोंट टच दिस बैग, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट बी टच्ड, तो डू डज का यूज होगा नहीं पैसे में, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दिस बैग नीड नॉट बी टच्ड, मे बी हो सकता है, ये देखिए दिस बैग डोंट बी टच्ड, ये भी नहीं होगा। दिस बैग मस्ट नॉट बी टच्ड, देखिए मना किया जा रहा है, माना कंपल्सिव है, तो कंपल्सिव है, कंपल्सिव चीज़ों को बताना है, ऑर्डर टाइम से बिहेव करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, किसका, मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, न कि नीड का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी, देखिए यहाँ पे लेट से बना रहा है इसको, लेट मी, लेट मी। अब फिर देखिए सब ये लेट से शुरू हो रहे हैं, ये देखिए नॉट यहाँ पे मिसिंग है, नॉट को यहाँ पे लास्ट में कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, नॉट को आना चाहिए था दोनों के बीच में। अब आप यहाँ पे देखिए लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, ये भी हो सकता है, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब, तो सबसे पहले लेट के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेट मी नॉट डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड या लेट मी बी नॉट डिस्टर्ब्ड, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से हम लोग, अब हम लोग चलते हैं विदाउट सब्जेक्ट। देखिए कभी कभी आपको ऑर्डर वाले या प्रोहिबिशन वाले जो सेंटेंस दिखाई पड़ते हैं वो विदाउट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। विदाउट सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे या तो यू आर ऑर्डर टू, प्रोहिबिटेड टू, ऐसे करके बनाएंगे, या फिर आपका मीनिंग यदि सेम रहा हो तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स, ठीक है। सेलिब्रेट ये क्या है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हमारा सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बना रहा है, अमेजिंग ऑफर्स, अमेजिंग ऑफर्स है यहाँ पे, न्यू ईयर शुड बी, देखिए शुड सजेशन में ले गया, सजेशन होगा नहीं, लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड, लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर्स, हाँ ये ज़्यादा बढ़िया आंसर है, ये विदाउट सब्जेक्ट नहीं है, ये विथ सब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये सेलिब्रेट का ऑब्जेक्ट है, न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये देखिए रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचाने, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे प्लीज़ या काइंडली लगा होता है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़ या काइंडली लगा होता है, तो प्लीज़ या काइंडली यदि सेंटेंस में लगा हुआ हो तो हम लोग उसको मानते हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट वाले का एक ही तरीका होता है पैसिव बनाने का, क्या तरीका होता है, तो इसका जब एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज़ या काइंडली को रिमूव करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लीज़ लॉक द डोर, तो सबसे पहले क्या करें, प्लीज़ को रिमूव कर दें। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर। अब आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना सीखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक ही ऑप्शन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑप्शन नंबर फोर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन को देखें, प्लीज़ मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू है कहीं पे, नहीं है, लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी मेड फॉर मी, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, तो हमारा यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें एक ही ऑप्शन मिलता जुलता दिखाई दे रहा है जिसमें मीनिंग मोड
और टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यही हम आपको बार बार फर्स्ट क्लास से बताते आ रहे हैं। तो कई बार आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको अजीबोगरीब चीज़ें फील होगी, बट आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि मीनिंग मोड और टेंस उसका चेंज नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलता है, यदि कहीं भी किसी भी एक्टिव वर्ब का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, सबका सब यदि लिविंग हो, सबका सब कैसा हो, लिविंग हो, तो हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल 231, जो प्रोनाउन में आप पढ़े थे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, डबल ऑब्जेक्ट। अब आइए इसको हम लोग सीखना, यहाँ से समझना शुरू करते हैं। सी हैंडेड हिम अ बैग। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक्टिव का जो वर्ब है वो एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके दो हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन का जिसका एक ऑब्जेक्ट लिविंग हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग हो, ये क्या है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, और ये हिम क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का दो तरीका है, या तो हम लोग नॉन लिविंग को पैसिव का सब्जेक्ट बना लें, और लिविंग जहां था उसको वहीं छोड़ दें, तो पैसिव में उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और यदि लिविंग ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉन लिविंग जहाँ था वही रहेगा, उसमें कहीं किसी प्रीपोजिशन का अलग से यूज नहीं करते, बात समझ में आ गई। चलिए, और कभी कभी जब लिविंग को अंदर छोड़ते हैं तो उसके साथ टू की जगह फॉर का यूज़ भी हम लोग किया करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुटेबल कंडीशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू का, अब आइए इसको हम लोग यहाँ पे सीखें। यहाँ पे देखें इसका पैसिव कैसे बन रहा है, देखिए सारे सेंटेंस में क्या किया गया, सारे ऑप्शंस में बैग को अर्थात नॉन लिविंग को बाहर निकाल लिया गया। अब ये देखिए इसका मेन वर्ब क्या था, हैंडेड क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हिम है इसका, अब बैग बनेगा, तो अब बैग को बाहर लिया है, अब बैग है इसका पैसिव का सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉज, तो आंसर क्या मिलना चाहिए, वॉज हैंडेड। ये देखिए वॉज हैंडेड है, यहाँ पे वॉज हैंडेड नहीं है, सीधी बात आंसर बन गया ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए हिम के साथ क्या यूज़ किया, टू, ठीक है, बाई हर तो रहेगा ही रहेगा, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये क्या है थर्ड पर्सन, तो इसका सीक्वेंस हमने क्या बताया, सारे के सारे लिविंग हो तो इसका सीक्वेंस क्या रखते हैं, 2 3 1, चलिए ठीक है। तो अब यू एंड सी आ जाएगा बाहर, यू एंड सी, ठीक है। अब इसका देखिए टेंस क्या था, सौ अर्थात तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफरेंट, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा पर्सन है तो हमें चाहिए वर्सीन, अब आ जाइए वर्सीन ढूंढ लीजिए, ये देखिए वर्सीन, तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे देखिए अब इस तरीके क्वेश्चन को आप बनाना सीख चुके हैं, डबल ऑब्जेक्ट को बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो यहाँ देखिए किसी में क्या किया, वी को बाहर निकाला है, किसी में इंग्लिश को बाहर निकाला है, आइए इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लें, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो यदि वी को बाहर निकालेंगे तो टीचर्स क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो पैसे में क्या चाहिए, आर टॉट चाहिए, तो आर टॉट यहाँ पे है। अब यदि इंग्लिश को हम बाहर निकालते तो ये होता या ये होता, यहाँ पे देखिए विल लग गया, ये गलत हो गया, ये इज लग गया, तो इंग्लिश इज टॉट ये भी हो सकता है, इंग्लिश इज टॉट। अब अस को यदि अंदर रखेंगे तो टू अस बाई हिम, ये भी हमारा आंसर हो सकता है।
अब आइए जरा इसको भी हम लोग चेक कर लें, ये वर्त होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर टॉट ये हो सकता था, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश, ये देखिए इंग्लिश नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग अंदर है और यहाँ पे बाय हिम दोनों में सेम है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फंस गए पूरी तरीके से, ये भी सही और ये भी सही, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो यदि दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो तो हम लोग प्रेफर करते हैं उस ऑप्शन को जिसमें नॉन लिविंग को बाहर रखा गया होता है, जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया गया होता है, तो उस बेसिस पे आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये एसएससी का पैटर्न है, एसएससी का ट्रेंड है, एसएससी इसी को प्रेफर करता है, ठीक है। और यहाँ फिर से वही है, देखिए टीचेज अस इंग्लिश, तो यदि दोनों ऑप्शन सही हो तो हम इंग्लिश वाले को बाहर रखना प्रेफर करेंगे, इंग्लिश वॉज टॉट टू अस, यहाँ टू अस होता है, यहाँ पे टू अस नहीं है तो ये गलत हो गया। अब जरा दूसरा देख लें, वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर मुखर्जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये डिफरेंट प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आइए इसको हम लोग सीखना समझना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आई नो हिम, ठीक है। अब इसका यदि हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो आमतौर पर बच्चे कैसे बनाएंगे, आमतौर पर बनाएंगे ही इज़ नोन बाई मी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक्टिव से पैसिव तो बन गया, इसका एक्टिव से पैसिव तो यहाँ पे बन गया, और पैसिव में आम तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, सामान्य तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन बाई का, किसका प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं, और देखिए यहाँ पे बाई लगा हुआ है तो सेंटेंस दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि नो पैसिव में अपने साथ प्रीपोजिशन बाई को एक्सेप्ट नहीं करता, वो यूज़ करता है प्रीपोजिशन टू को। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ही वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे नो ऑब्लाइज के साथ यूज करते हैं टू, सरप्राइज, परप्लेक्स हो, ये सारे वर्ब ऑफ रिएक्शन है, वर्ब ऑफ रिएक्शन के साथ यूज करते हैं एट, और ये सारे के सारे वर्ब ऑफ इमोशन है, इनके साथ यूज करते हैं विथ, और ये जो इंटरेस्ट है, कंसिस्ट है, कंटेन है, इनके साथ यूज करते हैं इनका, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको याद करना होगा, अदरवाइज इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेंगे तो आपसे गलती होगी। जैसे यहाँ देखिए सरप्राइज क्या था, वर्ब ऑफ रिएक्शन, तो इसके साथ क्या चाहिए एट, तो सबसे पहले हम लोग इसके साथ चेक कर लें एट, ये देखिए सरप्राइज एट, बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे। अब इसका टेंस चेक कर लें, इसका टेंस क्या है, पास्ट इंडिफरेंट, तो हमें क्या चाहिए वॉज, वर, इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे वर का, तो वर सरप्राइज एट, ये हो गया हमारा आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर डी, बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कंटेन के साथ क्या यूज़ करेंगे इन, देखिए कंटेन के साथ इन दो ऑप्शन में यूज़ किया गया है इन, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी बी में और डी में। अब कंटेन क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट में तो इजे मार वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लीज़ के साथ विथ लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी है पैसिव में, इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक्टिव बन जाएगा हिज रिसाइटेशन, ये देखिए हिज रिसाइटेशन है। अब ये वॉज वर्क के साथ, वॉज वर्क के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात ये पास्ट इंडिफरेंट का पैसिव है, तो इसका जब हम लोग एक्टिव बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लीज्ड, तो एक ही ऑप्शन है प्लीज्ड का, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग यहाँ से इन्फिनिटिव को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए इन्फिनिटिव क्या है भाई, तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इन्फिनिटिव क्या होता है, तो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव का फॉर्मेट होता है, किसका होता है, तो ये होता है एक्टिव का फॉर्मेट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, या इसी का पैसिव लिखते हैं टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आता है, तो आइए हम लोग सिंपली इसके क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई हैड टू स्टॉप, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैड टू बी स्टॉप्ड, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक कीजिए, टू बी हैड टू बी स्टॉप्ड, यहाँ देखिए हैड टू बी स्टॉप्ड है, यहाँ पे देखिए हैड टू बी स्टॉप नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे देखिए हैड टू बी स्टॉप नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे देखिए हैड टू बी स्टॉप है क्या, नहीं ये भी गलत हो गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, कितना सिंपल है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। अब यहाँ देखिए ये क्या मिला हमें, यहाँ पे ये मिला हमें इन्फिनेटिव, तो इसका आंसर क्या बनेगा, टू बी डन। सबसे पहले आप टू बी डन देखिए, यहाँ पे देखिए टू बी डन दिखाई दिया, यहाँ पे टू बी डन है नहीं है, यहाँ पे टू बी डन है नहीं है, यहाँ पे टू बी डन है नहीं है, तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान है एक्टिव पैसिव से खेलना। यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका पैसिव सॉरी ये पैसिव फॉर्मेट में है। यहाँ पे देखिए बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो ये पैसिव, इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा, टू कीप, क्या बनेगा, टू कीप। आइए जरा हम लोग चेक कर लें, आर टू कीप ये हो सकता है, यू आर टू कीप ये हो सकता है, यहाँ देखिए आर टू कीप है, आर टू कीप है, आर टू कीप है नहीं है, अर्थात एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, कुछ और क्वेश्चन देखिए, आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हियर, ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जरा आइए पैसे में चेक कीजिए, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए आई एम, अब यहाँ देखिए ही इज़ गोइंग, ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इज़ एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, इज़ एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ही इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट हियर बाय मी, ब्रॉट हियर बाय मी, ठीक है, और यहाँ देखिए ही इज़ बिंग गॉन टू बी ब्रॉट हियर बाय मी, तो ये जो आई था ये क्या था, ये था सब्जेक्ट, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि इसमें लगा हुआ है मी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी तो मी लगा हुआ है, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये क्या था, ये कंटिन्यूअस था। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी का आंसर करते हैं, जैसे अभी हम आपको गलती करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये हो क्या रहा है, इसका मेन वर्ब क्या है, ये है, ठीक है, अब मेन वर्ब ये है, इसी का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हिम है, तो हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो ये ही के साथ ही हो गया। अब ही इज़ गोइंग टू, ये वाले पैटर्न का, ये वाले पार्ट का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं, मुख्य रूप से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसका, जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस पार्ट का भी एक्टिव से पैसिव बना हुआ है, इसी तरीके से आप में से मैक्सिमम बच्चे आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जबकि ये आंसर नंबर डी जो है ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, कैसा है, ये बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सी लाइक्स पीपल टू कॉल। आप फिर देखिए टू बी कॉल्ड, सबसे पहले आप ढूंढिए टू बी कॉल्ड, क्या ढूंढेंगे, टू बी कॉल्ड, देखिए टू बी कॉल्ड है नहीं है, टू बी कॉल्ड है नहीं है, टू बी कॉल्ड है नहीं, एक ही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, जहाँ पे आपको नरेशन और वॉइस दोनों के कुछ कॉन्सेप्ट मिले जुले आपको दिखाई देते हैं। ये सेंटेंस आपको दिखने में लगता है नरेशन का, ठीक है, बट पूछा गया वॉइस में, नरेशन प्लस वॉइस दोनों मिले जुले कॉन्सेप्ट है। ये देखिए सबसे पहले इसको आप पहचानिए जरा, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इंटरोगेटिव दिखाई दे रहा है। अब ये सी आस्क्ड, तो ये जैसे है वैसे ही रहता है, ये देखिए सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, और इस केस में हम लोग इसके साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखिए ये इंटरोगेटिव है, तो डू को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब आस्क है, ये पास्ट में है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज करता है। अब इसके अकॉर्डिंग जब इसका टेंस चेंज करेगा तो राइट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रोट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन गिवन हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे लगाना सीखते हैं, और एक दो और क्वेश्चन को लगाकर हम लोग इनका एक्टिव पैसिव समझना शुरू करते हैं। देखिए बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरोली चेकिंग, वर थॉरोली चेकिंग, देखिए वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। वर थॉरोली चेकिंग एट द एंट्रेंस टू द थिएटर, एंट्रेंस ऑफ द थिएटर होना चाहिए था, और थॉरोली चेक्ड होता है, चेक किया जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए, बैग और पर्स खुद चेक नहीं करता है, उसको किसी और के द्वारा चेक किया जाता है। तो याद कीजिए, हमने आपको वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि यदि कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया होता है, यदि कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग रखते हैं पैसे में, और यदि कोई काम खुद
सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग रखते हैं एक्टिव में। तो यहाँ पे बैग और पर्स खुद को चेक नहीं करेगा या वो किसी और को चेक नहीं करता, बल्कि कोई और लोग इसको चेक करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ये चेकिंग वाले सेक्शन में, अब चेकिंग वाला सेक्शन जहाँ कहीं भी होगा, ये वाला सेक्शन, ये वाला हमारा आंसर बनेगा। इस पार्ट में एरर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से कॉमन एरर के सेक्शन में भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार बट इट हैज़ नॉट बिन यूज। अब देखिए, हैज़ है प्लस बिन, ये बिन है, बिन के साथ यहाँ क्या यूज़ करेंगे वर्ब का, थर्ड फॉर्म यूज वाला पार्ट आप ढूंढ लीजिए, जहाँ कहीं भी हो बिन यूज्ड, ये हो गया आंसर, हैज़ नॉट बिन यूज्ड, ये करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछा गया पार्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आइए, द मिस्क्रेंट वर शिफ्टेड, द मिस्क्रेंट वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी, और कहाँ रखा गया उनको, पुलिस के द्वारा कस्टडी में रखा गया। तो सेंटेंस जा रहा है पैसिव में तो वॉज के साथ क्या होगा, किप्ट होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज किप्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से देखिए, एक और क्वेश्चन ये आपके SSC एग्जाम में CHSL 2020 में पूछा गया, आइए इसको हम लोग जरूर बनाते हैं। At the workshop they were taught how to nail the pieces of food together to create toys. अब यहाँ पे जरा देखिए, दे वर टॉट, ये जा रहा है पैसिव में, एट द वर्कशॉप, वर्कशॉप में दे वर टॉट, उन लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड, की जो लकड़ी के पीसेस है उसको किस तरीके से नेल करते हैं, टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, एक साथ कैसे उसको मिलाते हैं ताकि वो टॉय बन जाए, ठीक है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, इसका आंसर बनेगा हमारा नो एरर, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग अपने वॉइस के इस सेक्शन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, वॉइस के इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों का वॉइस यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा वॉइस आपके CGL या CHSL टीयर 1 में नहीं पूछा जाता। हम लोग अब यदि बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 में इससे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम लोगों को पढ़ने बाकी हैं, बट उन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके टीयर 1 में कभी भी क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, इसलिए उतना डीप जाने की हम लोगों को अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग जब मेंस के क्लास में मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास को और इसी के साथ वॉइस को यहीं पे हम लोग समअप करते हैं, ओवर करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।